हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वी आर फार्मर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो पुरानी बोरवेल की केसिंग पाइप होती है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको ज़मीन से किस तरीके से निकालना है। तो इसके रिगार्डिंग यह पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों तो दोस्तों क्या होता है कि जो पुराने हमारे बोरवेल होते हैं जिसमें पानी नहीं रहा होता है अभी, तो इसकी केसिंग पाइप हम फिर से अगली बोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केसिंग पाइप लगभग 6 इंच की होती है और इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, यानी कि 30 फीट का रेट लगभग आपको 7 से 10 हज़ार के बीच में पड़ जाएगा अच्छी सी लेते हो तो इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए आपको इस केसिंग पाइप के अगल बगल में थोड़ी सी खुदाई करनी होगी और जेसीबी के अगले हुड को इसको बांध कर आप इसको ऊपर सीधा लिफ्ट करा के निकाल सकते हैं। तो यह पाइप मैन्युअली निकालना काफ़ी हार्ड वर्किंग है दोस्तों और इतना पॉसिबल भी नहीं होता। 30-30 फीट तक यदि बोरवेल रहती है आपकी तो उतनी नीचे तक तो आप खुदाई नहीं कर सकते, तो बेटर है आप कुछ इस जुगाड़ टेक्निक का यूज़ करें और इसकी मदद से आप इसका केसिंग पाइप को बड़े आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैन्युअली वर्क तो लगेगा दोस्तों इसकी हेल्प के लिए, लेकिन ये 30 फीट तक तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे भी दोस्तों कुछ इस प्रकार बांध कर सिर्फ आपको ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रेट इसको खींचना है। केसिंग पाइप ज़्यादा है दोस्तों तो आप 2 से 3 बार तक इसको बांध सकते हैं इस पाइप को बीच में। अभी तो ये 30 फीट की है यहाँ पे, तो ये इसको हमने सिर्फ एक ही बार बांधा है। यदि आपकी जो केसिंग पाइप है वो ज़्यादा है तो वह आपको 2 बार कम से कम आपको इसको बांधना पड़ेगा और यह निकल जाएगी दोस्तों कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने इस केसिंग पाइप को बड़े आसानी से यहाँ पे निकाल दिया है और इस केसिंग पाइप का इस्तेमाल यदि हम अगला बोरवेल करवाते हैं तो उसके लिए इसको करा जा सकता है, या फिर से आप इसको दूसरे किसानों को या जिनको ज़रूरत है उनको भी इस पाइप को आप भेज सकते हो। पाइप निकालने के बाद जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बनाया था दोस्तों, तो उसको भी यहाँ पे भर देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए केसिंग पाइप, इसको कहीं एक हल्का सा डेंट भी नहीं लगा है दोस्तों और बड़े आराम से इसको हमने निकाल दिया है सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए ये जो हमने गड्ढा करा था इसको भी हमें यहाँ पे पूरा का पूरा जो है बुझा देना है उसके बाद, और ज़्यादा गहराई तक खोदने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। यह डिपेंड है आपकी ज़मीन किस प्रकार है, यदि ज़मीन यहाँ पे जो खेती लायक होती है तो वह बड़े आराम से इससे आप केसिंग पाइप निकाल सकते हो, और थोड़ा बहुत यदि निकलने में आपको परेशानी महसूस होती है तो थोड़ी बहुत ज़मीन आसपास की आप यदि भिगो देते हैं 1-2 दिन पहले तो इससे दोस्तों पाइप निकलने में और भी आसानी हो सकती है। तो अलग अलग टेक्निक है दोस्तों, आप अपना भी इस्तेमाल दिमाग का कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ और जुगाड़ लग सकता है तो वो भी हमें यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं, कौन सी जुगाड़ से इसको निकाला जा सकता है। बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।